सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर कि यार आप खुश भी बहुत होंगे, क्योंकि नाखुश होने का तो कोई कारण ही नहीं है। वर्ल्ड कप चल रहा है और इतना अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा है भाई अपने चैनल पे, जिसकी हद ही नहीं है। इस वर्ल्ड कप के सीजन में दोस्तों ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा चुका हूँ, ये बात तो आपको पता ही है ना। इस वर्ल्ड कप के सीजन में दोस्तों अभी तक टोटल 9 मैच खेले जा चुके हैं, आज 10वां मैच है ना। 9 मैच हमने अपने चैनल पे ये कवर किए, उसके अलावा दोस्तों 2 मैच हमने वार्म अप वाले भी कवर किए थे, है ना। और इन सारे मैच में से एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें हमने लॉस खाया हो भाई। हर एक मैच में हमने प्रॉफिट कमाया है, रेगुलरली प्रॉफिट कमाया है और आगे भी कमाते रहेंगे, ये बात तो चाहे से आप लिख के ले लो। दोस्तों ये वर्ल्ड कप जब स्टार्ट नहीं हुआ था ना, उससे पहले ही मैंने आपको ये बात बोल दी थी कि भाई ये वर्ल्ड कप का सीजन अपनी फैंटेसी सपोर्ट फैमिली के नाम होने वाला है। इस वर्ल्ड कप के सीजन में आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैं करवा के दूंगा और अभी तक जो है मैं अपनी बात पे खरा उतरा हूं और आगे भी उतरता रहूंगा, आप बस देखते जाओ। इस वर्ल्ड कप के सीजन में माहौल हम बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज की, तो आज एक काफी बड़ा मैच है और काफी शानदार मैच है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों ये वाला मैच खेला जाएगा। अब दोस्तों देखो वही बात है कि बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, इस मैच में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो तुक्के में टीम मत बनाना। तुक्के में तो जिस दिन आपने टीम बना ली उस दिन आप अपना लॉस करवा बैठोगे, ठीक है। तो इस मैच में भी दोस्तों अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, अच्छी टीम बनानी है, तो देखो आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, बस हमेशा की तरह अपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो में मैं इस मैच की पूरी कुंडली खोल के आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर दोस्तों इसी एनालिसिस का यूज करके इस मैच में टीम बनाना, आज वाले मैच में भी अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों आपको आखिर तक बने रहना है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अपने आ जाता है वीडियो का गिव अवे। आपको पता है कि भाई वर्ल्ड कप है, वीडियो है तो गिव अवे भी है, ठीक है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों आपके कुछ रूल्स हैं और आप फ्री में जो है रियल कैश जीत सकते हो, ठीक है। रूल्स क्या क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, वो जो लाइक का बटन आपको नीचे दिख रहा है ना, वो ही आपके गिव अवे जीतने की टिकट है। तो आप में से जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से दबा के वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। दूसरा, डेफिनेटली यार अगर मैं पैसे किसी को भेज रहा हूं तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर को भेजूंगा, तो दोस्तों आपका हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना भी जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबा लो। 6 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे साथ चैनल पर जुड़ चुके हैं और वो रेगुलरली हमारी एनालिसिस का फायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको मिनिमम एक शेयर इस वीडियो को करना जरूरी है, एक शेयर आपका होना ही चाहिए, चाहे आप अपने किसी यार दोस्त को करो, चाहे गर्लफ्रेंड को करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक शेयर होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को तो पूरा देख रहे हो, इसका तो फायदा आपको इस मैच में मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो के गिव अवे का सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि इस मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेगा और वो कितने रन बनाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, 3-4 कमेंट में, 1 कमेंट में भी अगर आपका सही जवाब आ गया तो आप विनर बन जाओगे, बशर्ते आपने गिव अवे के सारे रूल फॉलो कर रखे हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की, इस वीडियो में तो आपको बताया कि इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने ही वाली है, बहुत अच्छी एनालिसिस आगे इस वीडियो में हम करने ही वाले हैं, ठीक है। फिर आगे इसी वीडियो में दोस्तों इस मैच की एनालिसिस का यूज करके, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके एक टीम भी हम आगे इस वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, आप और मैं मिलकर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूं कि यार वो जो भी टीम अपन बनाने वाले हैं ना आगे इस वीडियो में, वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, ठीक है। उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें अपडेट हो सकते हैं, और क्यों, क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ और जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है। जैसे टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, फाइनल वेदर रिपोर्ट आती है ना, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आनी होती है तो वो टॉस होने तक आ जाती है। और यार उन इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, और यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। फिलहाल में दोस्तों 1,85,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एकदम आसान है। ज्वाइन कैसे करोगे टेलीग्राम चैनल की, दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। तो लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आपका भी जुड़ना जरूरी है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जुड़ जाना, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की, तो यार ये वाला जो मैच है आज दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होगा और ये वाला जो मैच है दोस्तों इस एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, पूरा नाम अगर दे तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। इस वाले मैदान में ये वाला मैच खेला जाएगा, इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है इस मैदान में, और दोस्तों ये मैदान जो है ट्रिकी पिच प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये वाला मैच और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ध्यान रखना, आपको पूरे वीडियो में एक एक बात पर ध्यान रखना है, तभी इस मैच में अच्छी टीम बना पाओगे, है ना। आपको पता है प्रेडिक्शन अपनी एक नंबर जाती है, एनालिसिस तो अपने लेवल का कोई प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता, है ना। इस वर्ल्ड कप के सीजन में आपने देखी है ये चीज, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा सा टाइम दो, वीडियो पूरा देखो, प्रॉफिट आप कमा लोगे, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें
तो सबसे पहले वेदर की अगर मैं बात करूं, वेदर तो क्लियर है, वेदर का छोड़ो, बात करते हैं पिच की। तो भाई बात है एकाना क्रिकेट स्टेडियम की। क्या आपको आईपीएल 2023 याद है? एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड था। इस मैदान में जितने भी मैच खेले गए थे सारे हमने कवर किए थे, और जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो खैर आइडिया होगा, जो नए आए हैं भाई आपका वेलकम है, आप भी समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एकाना स्टेडियम का क्या था कि यार देखो आईपीएल में और आईपीएल से पहले भी यहाँ पर जो सरफेस थी वो थोड़ी सी ऐसे रस्टी सी सरफेस थी, एक तरीके से ऐसा कह सकता हूँ कि स्लो सरफेस थी। जनवरी में एक T20 इंटरनेशनल हुआ था, उसमें 100 रन भी नहीं बन पाए थे, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो सरफेस थी। इसलिए आईसीसी ने इसको रेट किया कि भाई घटिया सरफेस है इस वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि दोस्तों पूरे मैदान को जो है रीमोडिफाई कर दिया गया है, जो सरफेस है वो अच्छी बना दी गई है। पैट कमिंस ने दोस्तों सरफेस देख के, पिच देख के एक बात बोली कि पिच अच्छा है, पेस और बाउंस मिलेगा पिच पे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये मैदान ही कुछ ऐसा है कि ट्रिकी पिच प्रोवाइड करवाता है। इस मैच में भी अगर ट्रिकी पिच अपने को देखने को मिलेगा तो सरप्राइज मत हो जाना। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर लिखी हुई पिच रिपोर्ट की। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द वर्स्ट पिच जो है एकाना स्टेडियम में बिल्ड की गई थी आईपीएल के दौरान। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिच है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, आउटफील्ड भी मॉडिफाई कर दिया गया है, पूरे के पूरा स्टेडियम मॉडिफाई कर दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए। इस मैच के लिए दोस्तों एकदम ब्रांड न्यू पिच यूज होने वाली है, एकदम फ्रेश पिच यूज होने वाली है ना, इसलिए मैं भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा पेस और बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ध्यान रखना अच्छा खासा बाउंस मिलेगा, थोड़ी बहुत स्विंग मिलेगी, बैट्समैन को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को लगता है कि यहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों वही बात है, एकदम फ्रेश पिच है, एकदम नया पिच है, तो ज्यादा अपन आइडिया नहीं लगा सकते। एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस मैच का 320 के समथिंग में मान के चल रहा हूं, क्योंकि दोनों ही टीम अच्छी है और बैटिंग में अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी हो सकता है वो इस मैदान में टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, क्योंकि पिच का आइडिया दोनों ही कैप्टन को नहीं है, आपको बताया है ना। बाकी दोस्तों देखो ये तो है एक जनरल पिच रिपोर्ट, प्री मैच पिच रिपोर्ट आपको बताया है ना। इस मैच की जो फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगी वो भी अपने पास टॉस के टाइम पे ही आएगी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि भाई न्यू सरफेस है, नई सरफेस है, पिच रिपोर्ट का एग्जैक्ट आइडिया अभी अपने पास नहीं है। ठीक है, तो फाइनल पिच रिपोर्ट का आपको वेट करना है, टॉस के टाइम आएगी, और वो आपको पता है मैं आपके साथ कहां शेयर करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो एक बार वापस बोल रहा हूँ यार, टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं दोस्तों एकाना क्रिकेट स्टेडियम के ओडीआई स्टेट्स के बारे में। तो आज तक टोटल 4 मैच खेले गए, जिनमें से 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली ने, 2 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग का 210, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एकाना स्टेडियम के पहले के पिच और अब के पिच में बहुत फर्क रहने वाला है, पूरा का पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है ना। बाकी ये सारे रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इस मैदान में आज तक भी दोस्तों 250 से ऊपर का स्कोर नहीं बनाए, क्योंकि पिच ही कुछ ऐसे थे, अब तो मॉडिफाई कर दिया गया है, तो अब आपको ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों वेन्यू स्टेट्स की। और अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऑफर, जो कि एक्चुअली माई 11 सर्कल लेके आया है, जिसमें एक्चुअली मेगा लीग में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मात्र 1 रुपए में आप मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने दोस्तों माई 11 सर्कल डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड करो, इसकी डाउनलोड लिंक आपको हमेशा तरह नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक से दोस्तों डाउनलोड करने के आपको फायदे भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों डाउनलोड करो, साइन अप करो, और 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा लीग ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा ऑफर दोस्तों यहां पर ग्रैंड लीग में आपको बताया कि मेगा लीग में सिर्फ कैश प्राइज ही नहीं मिलती, आपको ओडी मिलती है, आपको थार मिलती है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे यहां पर प्राइजेस आपको दिए जाते हैं। तीसरी बात दोस्तों, खेलने के लिए डेफिनेटली आपको डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करते हुए एक डिपॉजिट कोड का यूज करना, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लगाते ही आपको 20% एक्स्ट्रा कैश माई 11 सर्कल पर मिलने वाला है, और ये एक्स्ट्रा कैश है, ध्यान रखना ये बोनस नहीं है। ठीक है, तो और भी बहुत फायदे हैं माई 11 सर्कल के, अगर आप ट्राई नहीं किए हो अब तक तो ट्राई कर सकते हो, इसकी डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं देखो रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, भाई दया आ रही है ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि 5-time वर्ल्ड कप चैंपियन है, और अभी वर्ल्ड कप के दौरान ही जो है थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं अपने को। ठीक है, अगर दोस्तों इनकी रिसेंट फॉर्म देखूं तो यहां से देखो मैं आपका, अच्छा थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड भी मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों 5 मैच की ओडीआई सीरीज हुई अभी 1 महीने पहले ही, वो हुई थी साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट आज मैच है। ठीक है, इन 5 मैच की सीरीज में दोस्तों स्टार्टिंग के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते, लास्ट के 3 मैच हारे, और साउथ अफ्रीका जो है सीरीज जीत गई थी लास्ट के 3 मैच जीते हुए। यानी कि यहां से जो है इनकी फॉर्म जो है खराब गई है, ये जो 3 मैच हारे ना यहां से इनकी फॉर्म खराब गई। फिर दोस्तों ये 3 मैच हारे इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हारी, फिर इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच खेले, उनमें स्टार्टिंग के 2 मैच हारे, इंडिया के अगेंस्ट सीरीज हारी, फिर दोस्तों वो वार्म अप में पाकिस्तान को पेला, और ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को तो पेलो भाई दबा के, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया के अगेंस्ट ये वाला जो मैच खेला था अभी, उसमें 200 पे ऑल आउट हो गए थे, और ये वाला मैच हार गए, है ना। तो थोड़े से जो है इनकी फॉर्म जो है अप एंड डाउन चल रही है, लेकिन ध्यान रखना वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कमबैक कभी भी कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया को कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की,
तो इसकी फॉर्म काफी अच्छा चल रही है। मैंने आपको जैसा कि बताया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने सीरीज जीती, ये रहे इनके ऑस्ट्रेलिया वाले मैच, ठीक है। ये जो लास्ट के तीन मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने खेले थे जीते और काफी कन्विंसिंगली जीते। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में 315 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 193 पे समेट दिया। इस मैच में 416 बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 250 पे समेट दिया। इस मैच में 338 बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 227 पे समेट दिया। तो काफी कन्विंसिंगली ये वाले मैच जीते गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये वाला एक वार्म अप का मैच हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो कि हारे थे, और फिर श्रीलंका के अगेंस्ट जो है एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ा ही था, 428 रन बनाए दिए थे। तो अभी साउथ अफ्रीका काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले 10 हेड टू हेड की, तो यहां पर भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। पिछले 10 में से 8 मैच जो है साउथ अफ्रीका ने जीता है ओडीआई में, ठीक है। और इस मैच की भी अगर मैं बात करूं तो फॉर्म को देखते हुए साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है दोस्तों, 40-60 का रेशियो मान लो, क्योंकि हम वापस बोल रहा हूं कि हम जो है ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड रिसेंट परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं दोस्तों टीम न्यूज के बारे में। तो यार ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से अपने पास कुछ न्यूज आ रही है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ट्रेविस हेड जो है इंजरी के कारण रूल आउट हो चुके हैं, ये बात मैं आपको बताई चुका हूं। मार्कस टोनिस से लेके दोस्तों एक न्यूज है कि पिछले मैच में आपको बताया कि मार्कस टोनिस नहीं खेले थे। अच्छा आपको ये दिख तो रहे हैं क्या यार, लाइट कलर के ऊपर सफेद अक्षरों में लिख दिया, ये शायद अगर नहीं दिख रहे हो तो माफ करना, है ना। बाकी हाँ न्यूज आप मेरे मुंह से सुन लो, मार्कस टोनिस जो है दोस्तों पिछले मैच में नहीं खेले थे हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण, मैंने आपको बताया। लेकिन अब अपने पास न्यूज आ चुकी है, एकदम फिट है, बैटिंग भी करते हुए दिख सकते हैं, बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो आज वाले मैच में आपको खेलते हुए भी दिख सकते हैं, अच्छे खासे चांस है। अगर खेलते हैं तो फिर कैमरन ग्रीन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एलेक्स कैरी जो है थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हालांकि दोस्तों एलेक्स कैरी को इस मैच में खिलाया जाएगा, 95% चांस है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम एलेक्स कैरी को ड्रॉप करना चाहे तो जोस इंग्लिस को खिला सकती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए वो आपकी स्क्रीन के सामने, और अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके 11 खिलाड़ियों के बारे में जो कि आज के मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। यहां पर अगर आप दोस्तों देखोगे तो मैंने मार्कस टोनिस को ऐड कर लिया है कैमरन ग्रीन की जगह, जो कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे थे कैमरन ग्रीन, है ना। बाकी के जो सारे प्लेयर हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, इनमें कोई भी मेजर चेंजेस नहीं होंगे। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपका पूरा ध्यान मेरे को चाहिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों डेविड वॉर्नर का अपने पास ऑप्शन आ जाता है और मिचेल मार्श का ऑप्शन आ जाता है, दोनों ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। इनके पास दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि डेविड वॉर्नर लेफ्टी है, ये राइटी है, तो टॉप ऑर्डर में इनके पास लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। डेविड वॉर्नर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 150 मैच खेले हैं ओडीआई में इस वर्ल्ड कप में आने से पहले, उन 150 मैचों में दोस्तों 6300 से ज्यादा रन बनाए और 45 से ज्यादा का बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, ठीक है, 52, 53, 56, 48, 41, ठीक है। तो रेगुलरली जो है ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ध्यान रखना टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छी बैटिंग आपको करके दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श हैं, 79 मैच में 2200 रन है, हालांकि दोस्तों 54 विकेट भी है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों आपको बॉलिंग करते हुए मिचेल मार्श मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिखेंगे, क्योंकि ओडीआई में ये रिसेंटली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई इस मैच में तो बॉलिंग किया, इन्होंने 2 विकेट निकाले, भाई ये वार्म अप मैच रह गया, ठीक है। बाकी पिछले मैच में जब इंडिया के अगेंस्ट खेला था उसमें डक पर आउट हो गए थे, 0 रन पे आउट हो गए थे। उससे पहले दोस्तों बैटिंग से ऐसा है कि ठीक परफॉर्मेंस आ रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 71 और 96 रनों की पारी आई, लेकिन यार इंडियन सोइल पे कैसी परफॉर्मेंस करते हैं वो तो देखते हैं ना। उसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो 145 मैच इन्होंने खेले हैं, 44 का बैटिंग एवरेज है, एक्सपीरियंस काफी भरा हुआ है और काफी अच्छी फॉर्म में है, 41 74 55 27 46, है ना। तो आपको डिसेंट पॉइंट तो ये दे ही सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, स्टीव स्मिथ आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। मार्नस लबुशेन दोस्तों 38 मैच में 37 का बैटिंग एवरेज है, इनकी भी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है दोस्तों, 39 27 72 27 40, है ना। ये विकेट को कंसीडर मत करना क्योंकि मार्नस लबुशेन भी आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, वो तो बस वैसे ही कर ली उन मैचेस में बॉलिंग, है ना, बाकी आपको जनरली दिखेंगे नहीं बॉलिंग करते हुए। और डिसेंट फॉर्म में बड़ी पारी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी पारी में अभी फिलहाल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे मार्नस लबुशेन, ठीक है। एलेक्स कैरी दोस्तों मैंने आपको बताई थी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अगर आप इनका देखोगे तो कोई खास रिकॉर्ड आया नहीं है पिछले कुछ मैचों में, डेफिनेटली हम अपनी स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। 129 मैच इन्होंने अपने करियर में खेले हैं जिनमें 64 विकेट भी हैं, 3400 से ज्यादा रन भी है, ये इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हो। पिछले अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले मैच में तो कोई खास नहीं आया, 15 रन की पारी खेली थी, विकेट एक भी नहीं ले पाए, लेकिन उससे पहले दोस्तों 77 रनों की पारी 1 विकेट और इस मैच में 5 रनों की पारी 4 विकेट, ठीक है। और ये जो सारी पारी है ना
ये सारी की सारी इंडिया में ही आई हैं, तो ध्यान रखना अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, ठीक है। मार्कस स्टोनिस दोस्तों इस मैच में वापस ही आएंगे, 64 मैच इन्होंने खेले, ये इनका कुछ रिकॉर्ड है। इस मैच में भी दोस्तों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए दिख जाएंगे। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बॉलिंग से 3 मैच में 2 विकेट है, बैटिंग से कोई खास बड़ी पारी खेली नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों पावर हिटिंग मार्कस स्टोनिस कर सकते हैं। इस मैच में दोस्तों मार्कस स्टोनिस के सिलेक्शन परसेंट बहुत कम रहेंगे ऑब्वियसली, तो मार्कस स्टोनिस आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे पिक हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तो मिचेल स्टार्क है, 111 मैच खेले हैं, सबको पता है यार मिचेल स्टार्क के बारे में कि कितने लीथल साबित हो सकते हैं बॉल से। पिछले मैच में तो बैटिंग से भी 28 रन बनाए थे और आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिला के जो है अच्छे पॉइंट दे सकते हैं स्टार्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कमिंस का नाम आ जाता है, पूरे 10 ओवर ये भी आपको अपने कोटे के करते हुए दिख जाएंगे। 77 मैच इस बंदे ने अपने ओडीआई में खेले, 126 विकेट है, 5.23 की इकोनॉमी रेट। इन्होंने भी दोस्तों कंसिस्टेंटली विकेट लिए हैं, बस पिछले मैच में जो है इनको विकेट नहीं मिल पाया था, उससे पहले एक विकेट दो विकेट, 19 नॉट आउट की पारी, 21 नॉट आउट की पारी, 15 रनों की पारी, यानी कि अगर टीम को जरूरत पड़ती है तो बैटिंग ये भी कर सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों नाम आ जाता है जोश हेजलवुड का, जो कि अपने पिछला जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उसके मैंने आपको ट्रंप कार्ड साबित किए थे, वीडियो में ही बोल दिया था हेजलवुड ट्रंप कार्ड है, पिछले मैच में 3 विकेट ले गया, उससे पहले भी दोस्तों कंसिस्टेंटली विकेट ले रहा है। और ध्यान रखना जोश हेजलवुड इस मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इनको अपनी टीम में उठाना ही उठाना है, लापरवाही मत करना, ठीक है। एडम जंपा की अगर दोस्तों बात करूं, 85 मैच इसने खेले, 5.53 की इकोनॉमी रेट है, पिछले 4 मैच में 6 विकेट है, लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि एडम जंपा ओडीआई सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के जितने भी मैच इन्होंने खेले ना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है, और ऊपर से वर्ल्ड कप में सुताई और होती है एडम चंपा की, ठीक है। तो एडम चंपा को दोस्तों मैं अपनी टीम में फिलहाल के लिए तो नहीं रखूंगा, लेकिन अगर मान लो फाइनल पिच रिपोर्ट में अपने पास आता है कि भाई स्पिनर को काफी अच्छा सपोर्ट इस मैदान में मिल सकता है, तब फिर मैं हो सकता है एडम चंपा को अपनी टीम में रख लूं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों इस मैच की फाइनल पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसका आपको वेट करना है क्लोज के टाइम तक, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम न्यूज के बारे में, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों पिछले मैच में आपको बताया कि साउथ अफ्रीका ने जब श्रीलंका को पेला उस मैच में सिर्फ एक ही स्पिनर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से खेल रहा था और उसका नाम है केशव महाराज, है ना। लेकिन आपको पता है एकाना स्टेडियम है, यहां पर स्पिनर को सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो पिच की कंडीशन को देखते हुए हो सकता है साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच में एक एक्स्ट्रा स्पिनर को यूज करना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आता है तो उसका नाम रहेगा तबरेज शमसी, ठीक है। अगर खिलाते हैं तो तबरेज शमसी आज के मैच में खेलते हुए दिख सकता है, और अगर तबरेज शमसी को नहीं खिलाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी समझ जाना कि हो सकता है स्पिनर को उतना ज्यादा सपोर्ट भी एकाना स्टेडियम में नहीं मिले आज, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों एक ये रिकॉर्ड है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो, साउथ अफ्रीका का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है रिसेंटली, है ना। 44 का बैटिंग एवरेज है, रन रेट भी 6.4 की है, काफी अच्छी है। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है, बात खत्म, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास आ नहीं रही है फिलहाल में, और वही बात है यार, जब तक टॉस नहीं होता था तब तक नई नई अपडेट आती रहेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये रही दोस्तों साउथ अफ्रीका की पूरी स्क्वाड इस वर्ल्ड कप की, और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर, एक्चुअली सबसे पहले तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, रिकॉर्ड की बाद में बात करेंगे। प्लेइंग 11 की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मैंने इनमें कोई मेजर चेंजेस किए नहीं है, एक बार के लिए जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाती तब तक प्लेइंग 11 यही रहेगी अपनी, ठीक है। इसमें दोस्तों अंगिड़ी आपको पूरे 10 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, कगिसो रबाडा 10 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, केशव महाराज 10 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, जेरल्ड कोइटजी 10 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मार्को येंसन आपको 10 ओवर करते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही कम चांसेज हैं कि एडन मरकरम को बॉलिंग मिलेगी। एडन मरकरम को दोस्तों अगर बॉलिंग दी जाती है तो उसका मतलब है कि स्पिनर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर एडन मरकरम आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, बस ये टॉप 5 जो इनके बॉलर हैं यही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और पसंद आ रहा हो तो यार पीछे मत रहो, आपके छोटे भाई का ही वीडियो है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इस वीडियो पर भी दोस्तों कल की तरह ही लाइक टारगेट अपन रख के चलते हैं 5000 लाइक का। कल वाले वीडियो पे आपने कंप्लीट किया, देख के बहुत अच्छा लगा, और भाई आपको लाइक करते हो ना, नहीं तो आपके कोई पैसे लगते हैं, नहीं मेरे को कोई पैसे मिलते हैं, बस वो देख के अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस और टीम्स लाते रहने के लिए, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है नीचे लाइक का बटन आ रहा है फटाफट से दबा देना, 5000 लाइक तो यार आपसे उम्मीद करके चल रहा हूं मैं, ठीक है, दिल नहीं टूटना चाहिए मेरा। खैर बात करते हैं दोस्तों देखो प्लेयर्स के बारे में, तो इनके पास भी दोस्तों टॉप ऑफ द ऑर्डर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। क्विंटन डी कॉक ने दोस्तों 146 मैच खेले अपने ओडीआई करियर में, 6200 से ज्यादा रन है, 45 का बैटिंग एवरेज है, और रिसेंटली क्विंटन डी कॉक भाई एक नंबर फॉर्म में चल रहे हैं, ध्यान रखना आपकी टीम के लिए बहुत इंपोर्टेंट पिक है। 82 45 27 84 नॉट आउट और 100 रनों की पारी इनके पिछले 5 मैच में आई है, आपकी टीम के लिए डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे पिक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, और क्यों कर सकते हो वो मैं आपको जब प्लेयर बैटल बताऊंगा तब आपको पता लगेगा, ठीक है। टेम्बा बावुमा का नाम आता है दोस्तों, 31 मैच में 1375 रन है, 52 का बैटिंग एवरेज है, और अगर आप इनके पिछले 5 मैच देखोगे तो इन 3 मैचों में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई, लेकिन पिछले 2 मैच में इंडियन सरफेस पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ठीक है। तो टेम्बा
पावुमा को इंडियन सरफेस पे खेलने में दिक्कत है, डेफिनेटली समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं तो आपको बोलूंगा कि आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना। इनके सिलेक्शन परसेंटेज मैच में काफी कम रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ट्रम्पेट निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो 52 का बैटिंग एवरेज है ना, ये ऐसे ही टाइम पास करते हुए नहीं बनता, काफी अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई में। ठीक है, रेसी वांडर ड्यूसन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये भी बंदा काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, और एडन मर्करम भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 56 मैच इस बंदे ने खेले हैं। इन दोनों ने दोस्तों, रेसी वांडर ड्यूसन ने 1900 से ज्यादा रन बनाए, इन्होंने 17 से ज्यादा रन बनाए। आरवीडी का जो बैटिंग एवरेज है वो 58 का रहता है, इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 37 का रहता है। अगर आप आरवीडी की रिसेंट फॉर्म देखोगे तो पिछले मैच में शतक आया, उससे पहले 50, उससे पहले 30, उससे पहले 50, उससे पहले एक मैच में 17 रनों की पारी। ठीक है, एडन मर्करम दोस्तों पिछले मैच में शतक आया, पिछले मैच में एक्चुअली इनके तीन प्लेयर के शतक आए गए थे, आप ध्यान दो, है ना, इसीलिए तो श्रीलंका को इतने अच्छे से पेल दिया था। उससे पहले दोस्तों 13 रन, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, इसमें दोस्तों 93, इसमें 102 नॉट आउट, है ना। तो ये एक्चुअली सारे के सारे आपके लिए अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए स्मॉल लीग टीम के अच्छे पिक तो रहने ही रहने वाले, साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन रहता है हेनरिक क्लासन का। हेनरिक क्लासन दोस्तों आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, एक वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर हैं इस टाइम के। ठीक है, और इन्होंने कैसी पावर हिटिंग की है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस मैच में। ठीक है, ये इन्होंने क्या शानदार पेला था, और ये ऑस्ट्रेलिया को ही पेला था, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 174 रनों की शानदार पारी खेली थी, पिछले एक दो मैच से भी अच्छी पारी खेली है, 32 रनों की पारी आ रही है, ध्यान रखना, बड़े स्कोर में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं हेनरिक क्लासन। ठीक है, डेविड मिलर दोस्तों 161 मैच इसने खेला, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 43 का बैटिंग एवरेज, ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 39 नॉट आउट, 18 नॉट आउट, 63, 82 नॉट आउट, है ना, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और ये डेविड मिलर आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं, क्योंकि इनके भी सिलेक्शन परसेंटेज मैच में कम रहेंगे, लेकिन डाउन दी ओर रखे अच्छी पावर रेटिंग डेविड मिलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मार्को येंसन का ऑप्शन आता है, ये कंसिस्टेंटली विकेट ले रहा है अपने लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से। अगर आप देखोगे तो पिछले मैच में 2 विकेट लिया, उससे पहले 3 विकेट लिया, उससे पहले 5 विकेट लिया, और साथ साथ 47 रनों की पारी खेली। ठीक है, उससे पहले 1 विकेट लिया, उससे पहले 32 रनों की पारी खेली, यानी कि यह बंदा ऐसा है कि जो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस मैच में अगर आप बड़ा रिस्क लेना चाहो तो मार्को येंसन को ड्रॉप करना, अगर हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप मत करना, अगर सेफ खेलना हो तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जेरल्ड कोइची का ऑप्शन आता है, 7 मैच में 14 विकेट है, नए प्लेयर हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पिछले मैच में दोस्तों 3 विकेट निकाले थे, उससे पहले 3 मैच विकेट लिए, उससे पहले 4 विकेट लिए थे, हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस है यार जेरल्ड कोइची की, कि अगर चल गया तो बंदा चल गया, अगर नहीं चला तो नहीं चला। इस मैच में हो सकता है इनकी जगह तबरेज़ शम्स भी आपको खेलते हुए दिख जाए, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास केशव महाराज का ऑप्शन आता है, 32 मैच इस बंदे ने खेले, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अगर तब्रेज़ शम्सी नहीं खेलते तो ये एकमात्र स्पिनर बचेंगे साउथ अफ्रीका की टीम में। ठीक है, और ये भी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 5 से भी नीचे की इकोनॉमी रेट जो है केशव महाराज की रहती है, और पिछले 5 मैच में से दोस्तों सिर्फ 1 मैच ऐसा है जिसमें विकेट नहीं मिला हो, अदरवाइज 2-1-4 और 2 विकेट इन्होंने अपनी टीम के नाम किए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, वही बात आ जाती है, अच्छी फॉर्म में अगर फाइनल पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि स्पिनर को सपोर्ट है, तब फिर केशव महाराज आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कगिसो रबाडा है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 93 बॉल में 146 विकेट है, और काफी अच्छी बॉलिंग ये भी कर रहे हैं, हर मैच में मिनिमम 2 विकेट निकाल रहे हैं, सिर्फ 1 मैच में विकेट लेस गए थे। ठीक है, लुंगी अंगड़ी दोस्तों 49 मैच में 79 विकेट है, और ये भी जो है ऑलमोस्ट हर एक मैच में विकेट निकाल रहे हैं, मात्र 1 मैच में विकेट लेस गए थे। इन्होंने दोस्तों पिछले 5 मैच में टोटल 9 विकेट निकाले हैं, दोनों के दोनों काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना, और दोनों ऐसा है नहीं है कि ज्यादा ठुकाई भी करवा रहे हैं, इकोनॉमी रेट भी ये कंट्रोल में रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है दोस्तों साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ टॉप परफॉर्मर्स के बारे में, और यहां पर ध्यान देना, टॉप परफॉर्मर्स से मेरा मतलब हो गया कि जब जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर ही ऊपर तो अपने पास नाम आ जाता है विकेट कीपर सेक्शन से हेनरिक क्लासन का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दोस्तों आज तक टोटल 11 मैच खेले हैं, जिनमें 502 रन बनाए हैं और 62 का शानदार बैटिंग एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये टॉप परफॉर्मर्स हैं दोस्तों ये सारे के सारे, तो सारे के सारे आपके लिए कहीं ना कहीं चाहे स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग, लेकिन अच्छे पिक हो ही जाते हैं। जैसे मानस लबुशेन है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 8 मैच में 432 रन है, 61 का बैटिंग एवरेज है। अब मानस लबुशेन को अगर आप अपनी स्मॉल लीग टीम में नहीं रखो तो मत रखना, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए तो इंपॉर्टेंट पिक है। ठीक है, सेम बात दोस्तों टेम्बा बावुमा के लिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 मैच में 243 रन है, 60 का बैटिंग एवरेज है, ओडीआई के बहुत अच्छे प्लेयर हैं आपकी टीम के लिए,
14 पे का ग्रैंड लीग में। उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 26 मैच में 915 रन 57 का बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेविड वॉर्नर ये तो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो स्मॉल टीम में रहेंगे, 28 मैच में 1213 रन 43 का बैटिंग एवरेज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ठीक है। एडन मरकम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 9 मैच में 346 रन है 43 का बैटिंग एवरेज, आरवीडी डेशन की दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 मैच में 212 रन है 42 का बैटिंग एवरेज, और स्टीव स्मिथ दोस्तों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 21 मैच में 684 रन है 40 का बैटिंग एवरेज, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किया जिनका बैटिंग एवरेज अबव 40 रहो तभी वो टॉप परफॉर्मेंस में आएंगे, और ये सारे बैट्समैन आपको अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ प्लेयर स्मॉली के लिए अच्छे तो कुछ ग्रैंड लीग के अच्छे हैं, ठीक है। वो तो हो गई है दोस्तों सारी बात बैट्समैन की, अब हम बात करते हैं बॉलर्स की कि बॉलर्स में कौन टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आ जाते हैं कबूसो रबाडा का, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 14 मैच में 26 विकेट ले चुके हैं, 6.04 की इकोनॉमी रेट है, थोड़ी सी ठुकाई जरूर होती है लेकिन विकेट भी दबा के लेते हैं, ठीक है। हेजलवुड दोस्तों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 15 मैच में 25 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी रेट इनकी कंट्रोल में रहती है, हेजलवुड आपकी टीम के लिए बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क दोस्तों साउथ अफ्रीका के 14 मैच में 19 विकेट ले चुके हैं, 5.58 की इकोनॉमी रेट। लुंगी एंगड़ी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 8 मैच में 18 विकेट ले चुके हैं, ये तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है, और 5.53 की इकोनॉमी रेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एडम जंपा साउथ अफ्रीका के 16 मैच में 18 विकेट ले चुके हैं, 6.02 की इकोनॉमी रेट, जो कि उतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है। आप खुद देखो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लुंगी एंगड़ी मात्र 8 मैच में 18 विकेट ले चुके हैं और एडम जंपा को सेम 18 विकेट लेने में 16 मैच लगे हैं ना, तो वहां से पता लग जाता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों पेट कमिंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 11 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, तबरेज शम्सी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 मैच में 13 विकेट ले चुके हैं, तो शम्स खेलते हैं तो वो भी आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। और मार्कस स्टोइनिस दोस्तों साउथ अफ्रीका के 7 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं, मार्कस स्टोइनिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वन ऑफ द बेस्ट ग्रैंड लीग पिक आप लोगों के लिए मार्कस स्टोइनिस 7 वाले मैच में हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है दोस्तों सारे के सारे टॉप परफॉर्मर्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स की कि यार जब जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है तो कौन से ऐसे बैट्समैन है जो एक पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो कौन से बैट्समैन कौन से बॉलर के अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करता है ओडीआई में, वो आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों एलेक्स केरे, जिनको तो हम वैसे भी अपनी टीम में नहीं रखेंगे, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी दोस्तों रबाडा के अगेंस्ट 60 बॉल जो इसने वनडे में खेली है उसमें मात्र 35 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट जो है रबाडा को दे चुके हैं, तो ध्यान रखना एक तो खेलते भी बहुत स्लो हैं, स्ट्रगल करते हैं, और 2 बार अपना विकेट भी दिया है, तो डेफिनेटली एलेक्स केरे का विकेट रबाडा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श के 2 प्लेयर बैटल आ जाते हैं, एक तो तबरेज शम्सी के अगेंस्ट ये बंदा स्ट्रगल करता है, 51 बॉल में ओनली 37 रन बनाए और 2 बार अपना विकेट दिया है, और उसके अलावा दोस्तों लुंगी अंगड़ी के अगेंस्ट 32 बॉल में मात्र 20 रन बनाए और 2 बार विकेट दिए हैं। लुंगी अंगड़ी तो दोस्तों इन जनरल भी जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, मैंने आपको बताया, तो ये आप लोगों के लिए दोस्तों एक अच्छी वो ड्रॉप हो जाते हैं मिचेल मार्श को अगर रिस्क लेकर ड्रॉप करना चाहो तो, ठीक है। फिर दोस्तों मार्नस लबुशेन का एक प्लेयर बैटल आ जाता है, मार्को योहानसन के अगेंस्ट 42 बॉल में ओनली 21 रन बनाए हैं, 50 की स्ट्राइक रेट हो गई और 2 बार अपना विकेट ये मार्को योहानसन को दे चुके हैं। डेविड वॉर्नर के दोस्तों 2 प्लेयर बैटल आ जाते हैं, मार्को योहानसन को 29 बॉल में 30 रन बनाए, यानी कि अच्छा खेल लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार अपना विकेट भी दिया है, और लुंगी अंगड़ी को भी दोस्तों 24 बॉल में 3 बार विकेट दे चुके हैं, ध्यान रखना लुंगी अंगड़ी से ज्यादा खतरा है डेविड वॉर्नर को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्विंटन डिकॉक के 3 प्लेयर बैटल आ जाते हैं, हेजलवुड के अगेंस्ट दोस्तों 145 बॉल में 1-2 बार नहीं 3-4 बार नहीं टोटल 7 बार अपना विकेट दे चुके हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि डिकॉक को अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि हेजलवुड उनका विकेट निकाल सकता है, ठीक है। मिचेल स्टार्क ने भी दोस्तों इनको परेशान किया, 128 बॉल में 4 बार विकेट लिया है, और मैक्सवेल ने भी इनको परेशान किया, 48 बॉल में 3 बार इनका विकेट लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 3-3 बॉलर हैं जो कि डिकॉक को परेशान कर सकते हैं, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से डिकॉक को ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से वॉर्नर को भी एक आधी टीम से ड्रॉप करना है, ध्यान रखना मोर्स को भी आपको एक आधी टीम से ड्रॉप करना है ना। और डेविड मिलर हेजलवुड के अगेंस्ट थोड़ा सा करते हैं, 82 बॉल में 2 बार अपना विकेट दिया है। हेनरिक क्लासन के दोस्तों 2 प्लेयर बैटल है, जंपा के अगेंस्ट 76 बॉल में 3 बार अपना विकेट दिया, हालांकि दोस्तों जंपा को सूता भी है इन्होंने, ध्यान रखना 76 बॉल में 98 रन बनाए हैं जंपा के अगेंस्ट, ठीक है। और मार्कस स्टोइनिस को भी बहुत अच्छा सूता है, 27 बॉल में 47 रन बनाए हैं, T20 की स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने इनको फंसाया भी है, 1-2 बार नहीं 4 बार फंसा लिया है 27 बॉल में, ठीक है। तो ध्यान रखना हेनरिक क्लासन एक पावर हिटर है और पावर हिटिंग करेंगे, लेकिन पावर हिटिंग करने के चक्कर में कई बार जो है ये बॉलर्स का शिकार बन जाते हैं। एडम जंपा और मार्कस स्टोइनिस दोनों ने मिला के इनको जो है ओडीआई में टोटल 7 बार फंसा रखा है, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छी एनालिसिस कर ली स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने पिच रिपोर्ट देखी, हमने वेदर रिपोर्ट देखी, हमने वेन्यू रिकॉर्ड देखे, उसके बाद दोस्तों हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे, रीसेंट परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद दोस्तों हमने पूरी स्कोर देखी, टीम यूज देखी, प्लेइंग 11 देखी, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड देखे, टॉप परफॉर्मर्स देखे, प्लेयर बैटल
टाइटल देखे है ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड देख चुके हैं। ठीक है, अब देखने के लिए दोस्तों सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इस मैच की टीम। ठीक है, तो उस चीज में भी दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं फटाफट से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता हूं। मेरे मोबाइल की दोस्तों जो स्क्रीन है वो भी आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी, और ये रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच, जिसकी मैं आपको फटाफट से एक टीम क्रिएट करके दिखा देता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको टीम क्रिएट करके तो दिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक बार वापस बोलना चाहूंगा कि यार ये जो भी टीम अपनी बनने वाली है अब वीडियो में, वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी। ध्यान रखना, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें अपडेट हो सकते हैं, और जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। फिलहाल में आप देख सकते हो कितने 186,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ रखे हैं, और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम और अपडेट का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो यह आप जो स्क्रीनशॉट दिख पा रहे हो ना, ये मेरी विनिंग के स्क्रीनशॉट नहीं है। मेरी विनिंग के डालना चाहूं वो भी डाल देता हूं, और मैं कई बार डालता भी हूं, लेकिन ये अपने फैंटेसी सपोर्ट चैनल के सब्सक्राइबर्स के विनिंग के स्क्रीनशॉट है, क्योंकि उनका जितना मैटर करता है आपको पता है ना। तो वो लोग मेरे को भेजते हैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे प्यार भेजते हैं, वही मैं यहां पर पोस्ट करके रखा हूं। और कल वाले मैच में हमने की रेगुलरली हम करते हैं ये नीचे दोस्तों हमारे गिव अवे विनर्स को जो प्राइज मनी हम सेंड करते हैं उनके विनिंग स्क्रीनशॉट है, तो सब कुछ एकदम ओपनली चलता है, कुछ भी बात छुपाई नहीं जाती। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, और दूसरी बात यार, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार देखो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। 6 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, और पिछले 4 साल से एकदम फ्री में एनालिसिस का फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, एकदम फ्री है, दबाओ और बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का सीजन तो अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत पैसा अपन जीतने वाले हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो हम अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास हेनरिक क्लासन का ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन है, और एलेक्स कैरी का ऑप्शन है। डेफिनेटली दोस्तों हम स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो हेनरिक क्लासन और क्विंटन डिकॉक को रखेंगे, बाकी ग्रैंड लीग की टीम में आपको क्या करना है वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्विंटन डिकॉक को रिस्क लेके आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, बाकी बैटिंग सेक्शन में आते हैं दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में डेफिनेटली वही बात है, स्मॉल लीग टीम बना रहे हैं, डेविड वॉर्नर को अपनी टीम में रखेंगे, स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में रखेंगे, आर वांडे डिशन को अपनी टीम में रखूंगा, और दोस्तों मिचेल मार्श को एक बार के लिए अपनी टीम में ट्राई में नहीं कर रहा हूं। टेम्बा बावुमा को मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मेरे को रिस्क लेना होगा तो मैं अपनी फाइनल टीम में टेम्बा बावुमा को रख लूंगा, और मेरी ग्रैंड लीग की टीम में तो 100% बावुमा रहने वाले हैं, वो ग्रैंड लीग की टीम से तो कहीं नहीं जा रहे। फिर दोस्तों मैं नीचे से दो है एक बार के लिए थोड़ा रिस्क लेके मिलर को रख रहा हूं, अगर आपको मिलर को नहीं रखना तो मत रखना, क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन आता है, आप सबको पता है। अगर आपको लगता है कि बैटिंग नहीं आएगी या फिर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएंगे तो मिलर को आप ड्रॉप कर देना, आप किसी सेफ प्लेयर को यानी कि मिचेल मार्श को उठा सकते हो। ठीक है, और लबुशेन का भी मैंने आपको बता दिया, आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हैं। फिर आते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, एडन मर्क्रम को डेफिनेटली मैं उठाना चाहूंगा, ग्लेन मैक्सवेल को मैं उठाना चाहूंगा, मार्को येंसन को मैं उठाना चाहूंगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो प्लेयर हैं वो ऐसे हैं जो कि अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। एडन मर्क्रम दोस्तों हो सकता है बॉलिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग से मेरे को इनसे उम्मीद भी नहीं है, बैटिंग से अच्छे पॉइंट दे देंगे, और ग्लेन मैक्सवेल और मार्को येंसन ये दोनों जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। नीचे से दोस्तों मार्कस टोनिस है, जिनका मैंने आपको बता चुका हूं कि ग्रैंड लीग के आप लोगों के वन ऑफ द बेस्ट पिक इस मैच के हो जाते हैं, एक बार के लिए स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करा क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना करें, इसलिए स्मॉल लीग में वो रिस्क नहीं ले रहा, बाकी ग्रैंड लीग में तो रखना ही रखना है, वापस बोल रहा हूं। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों देखो मैं मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में रखूंगा, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और उसके अलावा दोस्तों देखो पेट कमिंस का ऑप्शन है, कगिसो रबाडा का ऑप्शन है, हेजलवुड को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा, और रबाडा को भी मैं अपनी टीम में अगर रखना चाहूं तो दोस्तों देखो एक विकेट कीपर में ड्रॉप कर सकता हूं हेनरिक क्लासन को। अब हेनरिक क्लासन को मैं ड्रॉप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दोस्तों मात्र एक मैच ऐसा था जिसमें इसने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, और इंडियन सॉइल पे हो सकता है उतनी अच्छी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, एकाना स्टेडियम में पिच को पता नहीं कैसा बिहेव कर जाए, तो उन सब बातों को सोच के अगर आप हेनरिक क्लासन को अपनी टीम से ड्रॉप करना तो कर सकते हो, ये एक रिस्की ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आपको सेफ ड्रॉप करना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिलर को ड्रॉप कर देना है ना। चलो आप लोगों को एक सेफ टीम में बना के दिखाता हूं, यहां से हेनरिक क्लासन को पिक करो, यहां से मिलर को हटाओ, और यहां से जो है रबाडा को पिक करो। ठीक है, रबाडा को या फिर लुंगी अंगेडी भी अच्छे पिक है, ध्यान रखना। बाकी ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे हो ना, ये है एक सेफ टीम, इसमें रिस्क की चॉइसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या हो सकते हैं। आप लुंगी अंगेडी को उठा सकते हो, एक अच्छी शानदार चॉइस है, मार्कस टोनिस को उठा सकते हो, ठीक है, डेविड मिलर को उठा सकते हो, मार्नस लबुशेन, टेम्बा बावुमा, इन सबको ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अपने इस वीडियो के लिए मैं हेनरिक क्लासन को हो सकता है ड्रॉप करूं मिलर के लिए,
और बैटिंग बॉलिंग सेक्शन से फिर मैं रबाडा को उठा रहा हूँ एक बार के लिए। ये वाला जो टीम है, ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, वो मैं अपने इस वीडियो के लिए फाइनल कर रहा हूँ। ध्यान रखना, इसमें जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। और इसमें चेंजेज होंगे क्योंकि पिच रिपोर्ट जो है काफ़ी मैटर करेगी। पिच एकदम नया है, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट अभी तक अपने को पता नहीं है, ठीक है। वो टॉस के टाइम आएगी और वो ही मैटर करेगी, उसकी वजह से ही चेंजेज होंगे, ठीक है। और जो भी चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। बाकी बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की। अच्छा दोस्तों, सेम टू सेम टीम, डिट्टो की डिट्टो टीम आप जो है माई इलेवन सर्कल पर भी बना सकते हो। आपको बताएं, ये रहा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच और इसमें मैं आपको डिट्टो टीम बना के दिखा देता हूँ। डंडीकोक, रेसी वांडे, ड्यूसन, डेविड वॉर्नर, मिलर और उसके अलावा एक और उठाया था स्मिथ। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों एडन मरकम, मार्को येंसन, ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग सेक्शन से हेजलवुड, स्टार्क और रबाडा, ठीक है। एकदम डिट्टो की डिट्टो टीम हम यहां पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऑफर्स वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। 5000 लाइक का लाइक टारगेट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। दिल मत तोड़ना यार अपने भाई का, ठीक है। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों देखो, एडन मरकम, रेसी वांडे, ड्यूसन, क्विंटन डीकॉक एंड ये सारे अच्छी चॉइस हैं, और डेविड वॉर्नर इवन है ना, वो भी ठीक ठाक चॉइस हो जाते हैं। बाकी दोस्तों देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छी चॉइस है लेकिन वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। उस चीज़ का डिसीजन अपन लेंगे पिच रिपोर्ट देखने के बाद। और कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी दोस्तों कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और तो बस ठीक है यार, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर लेना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।